आपने कहा कि मैं को अगर सीट दी गई बीजेपी की तरफ से तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। ये बात सुनील राउत की नहीं है, ये बात एक बहुत ही कड़वट शिवसैनिक की है, जो यहाँ की जो इस एरिया जो ईशान्य मुंबई हम कहते हैं उसको नॉर्थ ईस्ट, वहाँ के हज़ारों शिवसैनिकों की ये भावना है। और ये उद्धव ठाकरे जी के पास भी पहुँच चुकी है, मुख्यमंत्री के पास भी एक 8 दिन पहले हमारे इस एरिया के सब लोग गए थे। ये भावना है और मुझे लगता है उस भावना की दखल शिवसेना बीजेपी के वरिष्ठ नेता जरूर ले रहे हैं, लेकिन उसको आप राजनीति से मत जोड़िए। बीजेपी के साथ हमारा कोई झगड़ा नहीं है, न होना नहीं चाहिए, क्योंकि अब हम गठबंधन में हैं। ये यहाँ के लोगों का जो मन की भावना थी वो सामने आई। शिवसैनिकों का ये भी कहना है कि किरीट सुमैया ने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी थी जब इस बार बात की थी और बहुत सी बातें कही थी। देखिए राजनीति में जब हम काम करते हैं तो किसी एक बड़े पार्टी के प्रमुख नेता के बारे में किसी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, उस बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। चाहे उद्धव ठाकरे जी हो, चाहे शरद पवार साहब हो, चाहे मोदी जी हो और चाहे अमित शाह जी हो।